महनी तो भाई तो लग रही, ये हमारे भतीजे साहब आज इनकी मेहंदी लगनी है। तू जट नु पसंद होगी, गर्मी च लहर होगी, मैं तेरा चॉकलेट, तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया, तू भी मलंग होगी, तेरी तेरी आशिक। तो एडवांस लगाए हुए हो, मेहंदी के टाइम लगाना चाहिए ना। क्यों सब लगा दे? अरे वाह, जो है तेरे नखरे क्यों कर दिया मैंने, जचदा ने इतना सवाल कर दिया। और जो है मेरे बहुत खुश है क्योंकि मेहंदी लग रही है, हम आज कल हल्दी प्रोग्राम था, मेहंदी के प्रोग्राम है। सुनीता जो हमारी साली साहिबा है और बड़े भाई साहब की सगी साली है, वो वैभव को जो है मेहंदी लगा रही है। सभी लोग मेहंदी के प्रोग्राम का आनंद दे रहे हैं और बड़ी हर्ष और खुशी से मनाया जा रहा है मेहंदी का प्रोग्राम, और वैभव के हाथ पे जो है मेहंदी लगाई जा रही है। बड़ा खुशनुमा माहौल है। और सभी मिलकर डांस कर रहे हैं, हमारे घर के परिवार के सभी लोग, और मुझे भी डांस करा दिया सब लोगों ने। बड़े भाई साहब भी डांस कर रहे हैं, खूब मस्त हैं क्योंकि उनके बेटे की शादी है, और भाभी है, छवि है, सभी लोग हैं, भांजी है हमारे, और अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के सभी लोग डांस वगैरह करने में व्यस्त हैं। खूब मज़ा आ रहा है, प्रोग्राम का इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और ये जो है भात लेके आए थे तो हमारे साले साहब हैं, उनके मतलब मामा, वैभव के मामा के बेटे जो भात लेके आए थे। हाँ, और सभी लोग जोरदार ढंग से डीजे की आवाज़ पर थिरक रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, और प्रोग्राम में इंजॉय करने के बाद फिर भजन वगैरह ग्रहण करेंगे जो भी है, और इस समय सारी रस्में चल रही हैं। और ये राजेश हमारे छोटे जीजा जी, और ये बीसलपुर से हैं, और छवि, सब लोग डांस कर रहे हैं, भाभी डांस कर रही हैं, और बड़े भाई साहब तो खूब मस्त होके ही डांस में लगे हुए हैं। और ये अच्छा लग रहा है, हमारे जुरो भी अपने बीच बीच में आ जाते हैं, और राजेश भी मस्त होके डांस में लगे हुए हैं, और सबको मज़ा आ रहा है खूब। और हमारे सभी करीबी रिश्तेदार आए हुए हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस में व्यस्त हैं, और बारी बारी से डांस करने लगे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं डांस कर रहे हैं, और हमारे आसपास में सभी से अच्छे संबंध तो डांस में लगे हुए हैं। अभी हमारे साहब हैं, सभी डांस में व्यस्त हैं, उनका ये अलग से डांस हो रहा है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी बना रखी है लोगों ने। अब दीदी भी अपने भाई की दीदी की खुशी में डांस कर रही है, जोरदार ढंग से डांस कर रही है, काला चश्मा, अच्छा डांस कर रही है। ग्रुप डांस हुआ, बड़े भाई साहब और उनकी मिसेज भाभी जी हमारी, और छोटा भाई उसकी बीवी और मिसेज, और हमारी मिसेज नीमा, सब लोग डांस में अपने अपने स्टेप दिखा रहे हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया भाई, मजा आ रहा है। चलो भाई देखें अब भाव की रस्म हो रही है, देखें लो। Oh.
पट्टी भी चढ़ने को कह रहे हैं। हाँ हाँ अरे चलो नाम है बड़ा बड़ा ले 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 वो आ जाएगा मामा एक दो आने आप आ गए यार और बहनों के मामा की ओर से भात लाया गया और सभी को बारी बारी से भात वगैरह जो किट वगैरह दी जाते वो दिए गए और ये मामा जी के बेटे हैं बहनों के मामा जी के जो भात लेकर आए थे और हम दोनों खड़े हुए यहाँ पर कुछ गिफ्ट दे रहे हैं गिफ्ट जो दिए सभी को जितने भी रिश्तेदार सभी को मामा के आते हैं दिए हैं और ढोलक पर जोरदार लोकगीत हो रहे थे और भात भी पहनाया जा रहा था इधर तो बड़ा खूबसूरत माहौल था अच्छा लग रहा था बच्चे ने चरण स्पर्श किए और निशित के चरण स्पर्श किए और इसके बाद गीत संगीत का यहाँ प्रोग्राम भी चलता रहा नीचे भी भात के साथ और ये प्रोग्राम बहुत जोरदार ढंग से करना इस समय सब लोग डांस और उसमें मस्ती मस्त है कहाँ आ रही तू कहाँ आ रही अंदर उसके बाद हमारे साले साहब मयंक और दीपिका जी ने जोरदार डांस किया ये छोटे भाई के सभी साले साहब हैं दीपिका हैं एंजॉय कर रहे हैं भाई गाना कोई
आजा एक और आजा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा चलो हम जाए बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे चलो अब हम जाए चलो प्रोग्राम तो चलेगा, पहले खाना पीना चल रहा है तो खाना पीना खाते हैं। और ये हमारी भांजी जो खाना पस रही है, हाँ कड़ी चावल कर दे, रोटी है चावल कड़ी दाल और बड़ा। कड़ी चावल खा रहे हैं, हमें हमारी भांजी है मदर नीमा बैठी हुई है। कैसा लग रहा है कड़ी चावल? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोगों में होता है कि कड़ी चावल जरूर बनाए जाते हैं, और बारात तो कल है। और देखिए ये बहुत मस्त कड़ी चावल बनाए। और ये